खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मिठीफाइड और आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो आपने में से काफी लोग मिस्टर बीस्ट को जानते होंगे जो कि अपनी डोनेशंस को लेकर काफी ज्यादा मशहूर हैं। उन्होंने रिसेंटली अपने यूट्यूब चैनल पे 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स का बिग माइलस्टोन अचीव किया है, जिसके ऊपर उन्होंने रिएक्शन देते हुए अपने ट्विटर पे ये ट्वीट किया, आई स्टार्टेड एट 13 ईयर्स ओल्ड विद नो मनी, अ हॉरिबल लैपटॉप एंड नो माइक्रोफोन। एवरी डे फॉर 8 ईयर्स आई वाज ऑब्सेस्ड एंड री इन्वेस्टेड एवरीथिंग आई हैव मेड। आई एम ग्रेटफुल टू वेक अप हैप्पी एंड एक्साइटेड एवरी डे एंड ऑल आई वांट इन लाइफ इज टू मेक द बेस्ट कंटेंट पॉसिबल। तो ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है जो मिस्टर बीस्ट ने अचीव किया, तो कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर बीस्ट। इसी के साथ साथ नेक्स्ट चीज जो पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है गंजी स्वैग की तरफ से। तो जुनेद अकरम ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज डाली जिसके अंदर वो ये बता रहे थे कि उनका कंटेंट बहुत ज्यादा कॉपी हुआ है पिछले 3 हफ्तों में, लेकिन उनका लावा तब फटके बाहर आया जब उन्हें पता चला कि मुबश्शिर लुकमान ने उनका इसराइल वाला पॉडकास्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लिया। तो इस मामले के बारे में जो उन्होंने स्टोरीज डाली अपने इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे जो ट्वीट किए वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। आज ये भी एक साहब ने मुबश्शिर लुकमान साहब की वीडियो भेजी इसराइल के ऊपर और मेरी इसराइल वाली पॉडकास्ट वर्ड टू वर्ड छाप दी और उसी ऑर्डर में वही बातें जो बातें मैंने की, मतलब बंदा थोड़ा 34-35 ही कर दे, थोड़ा आगे पीछे ही कर दे, हल्ली वल्ली। देखें मैं अक्सर इन चीज़ों में नहीं बोलता लेकिन हद होती है। इस महीने की ये तीसरी वारदात है, पहली जो मैंने क्लास 9 की कंप्यूटर साइंस की बुक के ऊपर बात की तो एक ब्लॉगर ने उठा के ठीक है मेरा नाम लिया लेकिन वर्ड टू वर्ड छाप दिया। अबे नाम लेने से क्या होता है, आप किसी और का काम पूरा एक्शन रीप्ले करके अपने यूट्यूब पर डाल के मोनेटाइज करो, पैसे बनाओ, ये क्या तरीके है, सरासर चोरी है यार, हद है। और वो इंडियन सीईओस वाली बात जो मैंने अपनी स्टोरी में और पॉडकास्ट में कही थी कि हर बड़ी कंपनी का सीईओ इंडियन है, वो एक साहब ने ट्वीट मारी, वो ट्वीट वायरल हुई, उन्होंने तो कॉपी की कि फिर उनकी ट्वीट वो पेजेस फलाना मूवमेंट तो फलाना ये फलाना वो उन्होंने भी कॉपी करके अपने, मतलब क्या भाई मुझसे पूरा इंटरनेट मैं ही चला रहा हूँ क्या पाकिस्तान का, हद होती है यार। अब खुदा के वास्ते ये नहीं बोलना कि आपकी वो नॉलेज ही तो फैल रही है चाहे कहीं और से, ये वही बात हो गई जी अगर फलाना व्लॉगर कॉपी करे तो स्माइल्स ही तो स्प्रेड हो रही है। अबे मेहनत कोई और करे, आप बंदा कंट्रोल से कंट्रोल भी करके आपके पूरे मेहनत वाला थीसिस और असाइनमेंट उठा के मैं लेके पूरी यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ले लूँ आपको अच्छा लगेगा? अबे यार हद होती है भाई, आप गलत को गलत कहो, हमारी कौम ना गलत को गलत नहीं कहती, इसलिए इस हाल में हद होती है यार। देखें मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं, आपका भाई हमेशा ट्रेंड सेटर रहा है। 2012 में सबसे पहले दुपट्टा पहन के वीडियो मैंने बनाई थी और बना के छोड़ दी, उसके बाद 8 साल से किस किस ने दुपट्टा नहीं पहना आप सबके सामने, अब 2020 चल रहा है, अभी तक चल रहा है वो ना, मैंने सेट किया ट्रेंड। सेकेंडली पॉडकास्ट, देखे मैंने इजाद नहीं की ना अपनी जहेज में लाई थी, पॉडकास्ट टाइप के शो जरूर हो रहे थे मगर पॉडकास्ट को पॉडकास्ट का नाम देना वीडियो फॉर्म में करना आपके सामने किसने शुरू किया, और उसके बाद आपको हर चैनल पे पॉडकास्ट भी नजर आ रहा है, ठीक है अच्छी बात है, रेप्लिकेट होने चाहिए आइडियाज, मगर ब्लेटेंट कॉपीज के मैं सब खिलाफ हूँ। और ये देखें क्या चल रहा है यार, बंदे की फिर क्या मोटिवेशन रहती है, सारी मेहनत रिसर्च आप करो और कोई आके बस कॉपी पेस्ट मारे और आगे निकल जाए। इसी के साथ साथ नेक्स्ट चीज जो पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है मेटल गेमिंग की तरफ से। तो आप लोगों में से काफी लोग मेटल गेमिंग को नहीं जानते होंगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो मेटल गेमिंग एनिमेशन बनाते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर्स ऑफ पाकिस्तान। तो कबल 1 साल पहले इन्हें अपना चैनल बंद करना पड़ा, यानी कि वहां पे ये वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे थे। तो फाइनली 1 साल गुजरने के बाद उन्होंने अपने चैनल पे एक एनिमेशन वीडियो अपलोड की और बाद में उन्होंने अपनी वीडियो भी अपलोड की जिसके अंदर वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि उन्हें किधर जाना पड़ा और क्यों उन्होंने चैनल बंद किया था 1 साल के लिए। इन शॉर्ट उन्होंने ये बताया कि वो यूनिवर्सिटी में थे और उनकी स्टडीज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, तो जिसकी वजह से उन्हें स्टडीज पे फोकस करना पड़ा और वो अपने चैनल पे इतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब उनके पास टाइम आ गया है। तो अगर आप लोगों ने उनकी वो वीडियो जाकर देखनी है तो मैं नीचे आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ नेक्स्ट चीज जो पाकिस्तानी यूट्यूब कम्युनिटी में से आ रही है वो आ रही है जुबैर प्लेज की तरफ से। तो जुबैर प्लेज एक पाकिस्तानी स्ट्रीमर है विद ओवर 20K सब्सक्राइबर्स। उन्होंने रिसेंटली अपने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट की जो कि मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूं। नीड योर गाइस सपोर्ट, गोइंग टू स्टार्ट स्ट्रीमिंग पबजी पीसी मोर बिकॉज आई वांट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तानी गेमिंग कम्युनिटी। आई नो व्यूज कम आएंगे, वॉचिंग कम आएगी, बट कम्युनिटी का तो कुछ भला होगा। आई विल प्ले पबजी मोबाइल टू बट जस्ट फॉर फन, होप यू गाइस विल सपोर्ट मी। जिसके रिप्लाई में मिस्टर जे प्लेज ने ये कहा, गुड स्टेप, आई कैन टेल यू इन एडवांस ऑल दिस पबजी मोबाइल ओनली चैनल विल बी डेड वंस ट्रेंड फिनिशेस। इनको कोई भी नहीं देखेगा दूसरी गेम्स के लिए। बी एन एंटरटेनिंग एंड इंटरएक्टिव स्ट्रीमर। तो आप लोग उन चैनल्स के बारे में क्या कहते हैं जो अपने चैनल के साथ गेमिंग लगा के सिर्फ पबजी मोबाइल खेलते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने जाकर जुबैर प्लेज को सपोर्ट करना है तो मैं नीचे उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाकर कर सकते हैं। तो हसीब इस्मत ने अपने चैनल हाई ओए के ऊपर एक सेगमेंट शुरू किए हुए अनएक्सपेक्टेड के नाम से, जहां पे उन्होंने सनाज बकेट को बुलाया था। तो अगर आप लोगों ने वो देखना है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, मैं नीचे आप लोगों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सनाज बकेट ने ये कहा, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी, विल इनवाइट यू सून फॉर अ वॉइस नोट इंटरव्यू। तो अब देखते हैं कि इनका इंटरव्यू कब आता है, तो जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके अलावा युखानों ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाली जिसके अंदर वो ये बता रहे थे कि वो अपने नेक्स्ट यू टॉक शो के अंदर डक्की भाई को बुला रहे हैं।
हमारे पहले गेस्ट जो के थे मैंने इंट्रोड्यूस किया था, लिस्ट मैंने डाली थी, डक्की भाई होने थे, लेकिन आज हमारा आखिरी एपिसोड शूटर है और शो क्लोज ही, मतलब इतने बड़े स्टार की जरा कैमरा मैन नहीं आज हमारे पास, हमारे वुमेन है। मतलब देखें लक्स स्टाइल अवार्ड नॉमिनी हमारी आज कैमरा वुमेन है, मतलब ये लेवल है डक्की भाई का, समझ रहा है ना। ये दूर दूर से लोग आते हैं कि अच्छा डक्की मैं रिकॉर्डिंग करने आ रही हूँ, बट हम रिकॉर्ड करने वाले एपिसोड और Let's see. और अगर वो न्यूज लेटेड हुई तो मैं अपनी वीडियो में ऐड भी करूंगा और इन दी एंड आप लोगों को वीडियो में क्रेडिट भी दूंगा इंशाल्लाह। तो बस मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।